लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास तीन कंटेनर हैं, एक ये कंटेनर रख लेते हैं और सेकंड वन ये एंड थर्ड वन ये। तीनों जो हैं ये हमारे पास एक कंटेनर हैं, ये सिलेंडर इन्हें सपोज कर लीजिए। और सबसे पहले तो फर्स्ट वाले को देखते हैं ना, इसे हम लोग फर्स्ट कह लेते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। लेट्स सपोज कि इसमें हमारे पास जो है वो गैस फील्ड है। इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर गैस फील्ड है और इसके ऊपर ही जो है वो एक मूवेबल पिस्टन भी लगा हुआ है। ये इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है। हम कहते हैं कि हम लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई किया है, 1 एटमोसफेयर प्रेशर अप्लाई किया है। और टेम्परेचर को हम लोग बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करते हुए कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस रखा है और इसे कॉन्स्टेंट कर दिया है। तो हमारा जो वॉल्यूम है उसे हम सपोज कर लेते हैं कि 1 dm³ है। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो हम प्रेशर इसके ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उस सिचुएशन में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1 dm³ है। लेट सपोज कि मैं जो है वो प्रेशर को बढ़ा कर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रखती हूँ और प्रेशर को जो है वो 2 एटमॉस्फेयरिक प्रेशर कर देती हूँ। और यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में कंप्रेस्ड हो जाते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाए कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम जो है पहले की निस्बत कम हो जाए, लेट्स सपोज कि ये 1/2 dm³ हो गया है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर के कांस्टेंट होते हुए ही प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है, वॉल्यूम जो है कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। लेट सपोज कि अब तीसरे सिचुएशन में देखते हैं, अगर आप प्रेशर को मजीद बढ़ाते चले जाएं, अभी आपने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया था, लेट सपोज कि अब आपने तकरीबन 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर लिया है। लेट सपोज यहाँ पर अब आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जब आपका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तकरीबन 1/3 dm³ हो गया है, जबकि आपका टेम्परेचर इस केस में भी और इस केस में भी 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट कर दिया है। तो आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर बढ़ाने से आपका वॉल्यूम कम हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेटेड है। और इस चीज़ को हम जो है वो बॉयल्स लॉ कहते हैं कि पीवी का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ के इक्वल आता है जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। तो जो अगर मैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बॉयल्स लॉ को ही बेस बनाते हुए आज थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करते हुए आपको एक नई चीज़ समझाना चाहूँ, तो वो नई चीज़ ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में आप जब हीट देते हैं तो वो हीट जो है वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। अगर अब मैं ये कहूँ कि मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब है कि जो इस सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ये सब की सब एनर्जी जो है ये टोटल इंटरनल एनर्जी में आती है। और हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम लोग कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल है टेम्परेचर के। इसका मतलब है जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दिया गया तो जो काइनेटिक एनर्जी है जो कि इंटरनल एनर्जी की वजह से है, इंटरनल एनर्जी के सम में आती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी की वजह से ही काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर ज़ीरो है, कांस्टेंट का मतलब ये है उसमें जो डेल्टा क्यू डेल्टा टी है वो ज़ीरो हो गया, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी तो ज़ीरो होना चाहिए ना, बल्कि वो ज़ीरो ही होता है। तो जब ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो जाती है तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ वर्क डन बचा। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी सिस्टम में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो डेल्टा यू है वो कांस्टेंट हो जाता है और सारी की सारी एनर्जी जो उस सिस्टम को मिलती है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें उस प्रोसेस को कहते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसे आइसोथर्मल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब आपको याद होगा कि आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि जब आप पी और वी के दरमियान ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपका P और ये आपका V,
इन दोनों के दरमियान आप जब भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, तो उस वक्त जो इन दोनों के दरमियान ग्राफ होता है वो एक कर्व लाइन आती है इस तरीके से। ये कर्व लाइन जो है आइसोथर्म की तरह होती है। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, मतलब मीन्स ये कि सेम टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। लेट सपोज कि आपका कर्व ए बी है, और अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आपको मालूम है कि अभी तक हम लोगों ने इतनी वीडियोस में पढ़ा है कि वर्क डन जो है वो एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में जो है वर्क डन जो है आपको मालूम है कि वर्क हमेशा एफ इंटू डी के इक्वल होता है। और हमने ये भी कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो हमारी फोर्स है वो हमारे प्रेशर के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है, और डी जो है वो डेल्टा वी के इक्वल, इसलिए क्योंकि डी जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इस सिचुएशन में कभी हमारा वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, कभी कंप्रेस करता है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वॉल्यूम में हो रही होती है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो वर्क डन है वो पी डेल्टा वी के इक्वल आ जाता है, और इसके साथ हमें माइनस भी लगाना पड़ता है, इसलिए चूंकि वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है उसकी इन्वायरमेंट की वजह से, इसलिए यहाँ पर यहाँ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाता है। इसके अलावा ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस यानी कि इसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है वो स्लो होता है, बहुत रैपिड या फास्ट नहीं होता, ये एक स्लो प्रोसेस है। स्लोली इसमें कंप्रेशन होती है, स्लोली इसमें एक्सपेंशन होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो इस वजह से जो है हम इसे आइसोथर्म प्रोसेस कहते हैं। दूसरी बात जो है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो कर्व बनता है वो कर्व जो है हाइपरबोला की तरह होता है, मतलब कि ये स्ट्रीप एक स्टीप कर्व नहीं आता बल्कि एक इस तरह का कर्व आता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेंड होता है अंदर की तरफ, को एक स्टीप कर्व नहीं आता, तो इसलिए हम इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसी आइसोथर्मल प्रोसेस को के साथ ही एक और प्रोसेस होता है जो बिल्कुल इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा रिवर्स केस हो जाता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, लेट सपोज कि ये आपके पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल, जिस तरह से इसे बना लेना चाहिए, ये एक सिस्टम है और इसमें जो है इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड है। इसके ऊपर भी जो है हम एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं ताकि कम्प्लीटली सिस्टम जो है बन जाए। लेट सपोज कि ये इसका मूवेबल पिस्टन है और ये सारे के सारे जो है वो एयर या गैस इस सिस्टम के अंदर फिल्ड है। अब आप जानते हैं कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। बॉयल्स लॉ में हमने ये किया था कि हम लोगों ने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख लिया था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट कर रही हूँ, एक ऐसा प्रोसेस समझाना जा रही हूँ जिसमें हम लोग डेल्टा क्यू जो है अगर इसे ज़ीरो कर लें, इसको ज़ीरो करने का मतलब कि इस सिस्टम के अंदर इस तरह से कोई प्रोसीजर करें कि ना तो हीट इन हो ना ही हीट जो है आउट हो, या इस सिस्टम को कम्प्लीटली इंसुलेट कर लिया जाए कि ना तो हीट अंदर जाए ना बाहर आए, और इस सिस्टम के अंदर भी कुछ ऐसा काम हो कि इस सिस्टम के अंदर जो हीट के अंदर चेंजिंग है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि हीट बिल्कुल कांस्टेंट कर दी जाए, टेम्परेचर को कांस्टेंट ना किया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो डेल्टा क्यू है वो ज़ीरो हो गया। अगर अब हमारा डेल्टा क्यू जो है ज़ीरो हो गया, और इसी तरह जैसे कि बॉयल्स लॉ में हम लोग कह रहे थे कि प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में जो है कंप्रेशन आ जाता है, जो प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम जो है रिलीज करता है, एक्सपेंशन आ जाती है। लेकिन बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने जो है टेम्परेचर का कांस्टेंट किया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम थोड़ा सा उल्ट काम करते हैं, हम हीट को कांस्टेंट कर लेते हैं, हीट जो है वो कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो ज़ीरो है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इस तरह से आ जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। तो जब डेल्टा क्यू ही ज़ीरो है तो यहाँ पर जो है वर्क डन इस तरह से आ जाएगा कि सारा का सारा वर्क डन जो इस सिस्टम में होगा वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा, यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होगी। जितना भी ये सिस्टम काम करेगा वो काम इस सिस्टम में मौजूद मॉलिक्यूल्स या एयर के जो भी एटम्स वगैरह होंगे उनकी इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही होता है, और सारा का सारा काम इंटरनल एनर्जी करती है। इसमें डेल्टा क्यू यानी हीट का रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हीट को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया है। जब हीट कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन हीट जो है वो भी ज़ीरो हो जाती है।
इसके अलावा आपको याद होगा कि इस सिचुएशन में जो है हमारा बल्ब तो कुछ इस तरीके का हो जाता है कि पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है जब हम लोग हीट को कांस्टेंट रखते हैं, जबकि अगर हम बॉयल फ्लो में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो पी वी इज इक्वल टू गैमा, जस्ट गैमा, और पी वी इज इक्वल टू के होता है, गैमा नहीं आता उसके ऊपर। अब ये जो गैमा है, ये गैमा जो है ये कांस्टेंट रेशो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की एट कांस्टेंट जो है प्रेशर पे ले लीजिए डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि किसी भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट के मोलर जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की जो रेशियो होती है उसे हम लोग गैमा कहते हैं। अब ये जो गैमा है ये मोनोटॉमिक डायाटॉमिक और ट्रायाटॉमिक के लिए डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि मोनोटॉमिक के लिए 1.67 है और डायाटॉमिक के लिए 1.43 है, इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड के लिए वीडियोस बनाई थी तो स्पीड ऑफ साउंड में सबसे पहले हम लोगों ने न्यूटन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। न्यूटन ने अपने फॉर्मूला में जो डिराइव किया उसने ये मिस्टेक की कि उसने कहा कि एयर को उस वक्त जो है आइसोथर्मली कंसिडर किया, यानी कि उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना, हीट को कांस्टेंट नहीं माना, और सारा का सारा प्रोसेस जो उसने किया वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया, हीट पर नहीं, इसलिए उसका जो प्रोसेस था वो आइसोथर्मल था। और उसने उस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली उसमें तकरीबन 60% का एरर आया था। इसके बाद हम लोगों ने जब देखा कि लैपलेस ने इस फॉर्मूले को करेक्ट किया तो लैपलेस ने क्या किया कि लैपलेस ने कहा कि हीट जो टेम्परेचर है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं लिया जा सकता एयर के लिए। उसने कहा कि हीट को हम कांस्टेंट ले सकते हैं और हीट जिस प्रोसेस में कांस्टेंट होती है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डेल्टा क्यू को जो है वो ज़ीरो कर देते हैं, वो प्रोसेस जो है हमारे पास कहलाता है कि ये वाला प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। लैपलेस ने एडियाबैटिक प्रोसेस को इस्तेमाल किया और उस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए उसने पी वी गैमा की रेशियो इस्तेमाल की, और पी वी गैमा जो है पी वी गैमा इज इक्वल टू के वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, और गैमा जो है उसने सी पी और सी पी ओवर सी वी वाली रेशियो इस्तेमाल की। तो उसने जो स्पीड ऑफ साउंड निकाली वो बहुत ज़्यादा हमारी ओरिजिनल स्पीड ऑफ साउंड के बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट इक्वल थी, बहुत कम एरर था। तो उसने ये बताया कि हम स्पीड ऑफ साउंड उसको कैलकुलेट करते हैं जब हम डेल्टा क्यू को ज़ीरो कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपको उस चीज़ का रेफरेंस दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम लोग डेल्टा क्यू वाला काम पहले भी कर चुके हैं, हीट को हम लोग पहले भी कॉन्स्टेंट रख चुके हैं एक सिस्टम के अंदर। अब इस सिस्टम में क्या होता है कि इस सिस्टम में भी हम लोग जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ जो है वो बिटवीन पी और वी के ही होता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास कर्व आता है ना वो बिल्कुल स्टीप आता है, मतलब यूँ थोड़ा सा कर्व होता है लेकिन एक स्टीपर कर्व आता है हमारे पास। और ये स्टीपर कर्व आने की वजह ये है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है प्रोसेस ये प्रोसेस जो है ये बहुत फास्ट होता है, मतलब ये कि इसमें ये एक फास्ट प्रोसेस है जिसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है बहुत फास्ट होती है, रैपिड होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इसे ब्लास्ट हो किसी जगह पर, या टायर का ब्लास्ट हो, टायर जो है वो ब्रस्ट कर जाए, ये किसी जगह ब्लास्ट हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो बहुत कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बहुत तेज़ी से होता हो, उस सिचुएशन को उस सिस्टम को उस प्रोसेस को आप एडियाबैटिक कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है जैसे जब टायर वगैरह फटते हैं तो वो एकदम फट जाता है, उसमें जो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है बहुत तेज़ी से मतलब वो एक्सपेंड करती हैं, तो वो जो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। लेट सपोज कि ये हमारा एक स्टीपर कर्व है ए बी, अगर यहाँ पर भी हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा। और सिमिलरली वही वर्क डन का फार्मूला के माइनस पी वी पी यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ पर भी वही सिचुएशन अप्लाई करते हुए जो है हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा स्टीप इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर जो है वर्क अब बहुत जल्दी एक्सपेंशन हो जाती है और बहुत ही जल्दी कंप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कर्व जो है आइसोथर्म कर्व की निस्बत ज़रा तेज़ी से आता है। आइसोथर्म इस तरह से आता है और जो एडियाबेटिक है उसमें कर्व इस तरह से आता है, थोड़ा सा स्टीपर होकर आता है, बल्कि इस तरह से भी नहीं, एक इस तरह से आता है और एक कर्व जो है वो इस तरह से होकर थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, इस तरह से इन दोनों कर्व में फर्क आ जाता है। इसके अलावा भी दो मजीद प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक कहते हैं,
ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है प्रेशर जो चेंज प्रेशर है उसे कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि डेल्टा पी जो है वो अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास पी और वी के दरमियान जो कर्व आता है वो इस तरह जाता है स्ट्रेट, यानी कि हमारा उस वक्त प्रेशर जो है वो जीरो हो जाता है। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि ऐसा सिस्टम आइसोबारिक सिस्टम होता है। और इस इसके अलावा जो है एक मजीद सिस्टम ऐसा है जिसमें हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम में चेंज है वो जीरो हो गया, उसे कॉन्स्टेंट कर लिया जाए, तो इसे जो है आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये चार प्रोसेस हैं जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही बेस करते हैं। तो इस सिचुएशन में ये हमारा डेल्टा वी या वी और ये हमारा पी होता है, तो हमारा जो इस सिचुएशन में कर्व आता है वो इस तरीके से स्ट्रीट आता है बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर भी जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस तरह से रहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर ये तीसरा प्रोसेस था और ये चौथा प्रोसेस, इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू जो है वो बराबर होता है पी इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी ही जीरो हो गया तो हमारा वर्क डन जीरो हो जाता है। तो इस सिचुएशन में जो हीट ट्रांसफर की जाती है किसी भी सिस्टम को वो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के इक्वल आ जाती है। तो ये कुछ सिस्टम थे जो फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोबारिक प्रोसेस, एक जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है और जो चौथा प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये चारों प्रोसेस ही फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक इन प्रोसेसेस के बारे में समझ आ चुकी होगी।